हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है कंपाउंड प्रोपोर्शन। चैप्टर नंबर 13 का ये टॉपिक है जो कि क्लास 8 की बुक है। इसे हम मैथ्स की ओलिवर हंट यूज कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में अभी तक हमने इस चैप्टर में 13.1 में हमने पढ़ा था डायरेक्ट प्रोपोर्शन, 13.2 में हमने पढ़ा था इनवर्स प्रोपोर्शन, और ये हम पढ़ेंगे हम कंपाउंड प्रोपोर्शन। कंपाउंड मीन्स होता है कि दोनों का मिक्सर, इसमें डायरेक्ट भी आएगा और इनवर्स भी आएगा। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में भी मिलते हैं। तो इसको किस तरीके से करना है, इससे पहले आपको डायरेक्ट और इनवर्स उन दोनों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और दोनों एक्सरसाइज कैसे आपको सॉल्व करनी है वो आपको वहाँ से पता लगेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम 13.3। इससे पहले कंपाउंड प्रोपोर्शन का जो इसमें फॉर्मूला यूज होगा वो हम बताएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो 13.3 से पहले हमारा शुरू होता है इसमें कंपाउंड प्रोपोर्शन। कंपाउंड प्रोपोर्शन की एक सिंपल सी ट्रिक है इसमें, m1 d1 h1 upon w1 इक्वल्स टू m2 d2 h2 upon w2। क्लियर? दो कंडीशन हमेशा दे रखी होंगी, जैसे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दे रखी होती है कि 7 ऑब्जेक्ट की कॉस्ट इतनी है तो 5 ऑब्जेक्ट की कॉस्ट कितनी होगी। तो दो कंडीशन हो गई, एक ऑब्जेक्ट 7 है, एक ऑब्जेक्ट 5 है। दूसरी में उसकी कॉस्ट दे रखी है, सेकंड वाले की पूछ रहा है। इनवर्स में क्या होता था कि 12 मैन किसी भी वर्क को 7 डेज में कर रहे हैं तो 5 मैन कितने दिन में करेंगे। तो नंबर ऑफ द मैन जब कम होंगे तो नंबर ऑफ द डेज भी बढ़ेंगे। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें दोनों मिक्सचर आएंगे कि 10 मैन किसी भी वर्क को 10 डेज में इतने घंटे वर्क करते हैं, तो सेकेंड कंडीशन में आपको कुछ ना कुछ मैन या डे या आवर कुछ ना कुछ पूछ लेगा। अब इसमें एम डी एच डब्ल्यू है क्या, एम फॉर हो गया नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ वर्कर, ये आप यहां से सिंपली फाइंड कर सकते हैं एम फॉर मैन। डी फॉर हो गया नंबर ऑफ डेज कि कितने लोगों ने कितने दिन तक काम किया। एच फॉर हो जाएगा आवर, जैसे टाइम हमारा आवर में दे रखा है तो कितने आवर्स लग रहे हैं, कितने घंटे डेली कितने घंटे काम कर रहा है। और डब्ल्यू फॉर हो जाएगा, डब्ल्यू से आप क्या डिनोट करते हैं, वेट, है ना। तो हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है आपको ये चारों चीजें मिले, हो सकता है कि एम डी एच ही मिले कि मैन है इतने दिन काम कर रहे हैं इतने घंटे तक, तो उन्हें क्या इतने मैन इतने डेज तक कितने घंटे काम करेंगे, है ना। तो जरूरी नहीं है कि वहां पर वेट हो, या हो सकता है कि वेट हो, मैन हो, डे हो, तो अवर ना हो। तो जो भी चीज हमारे पास अवेलेबल होगी हम उसी को उसमें से रखेंगे, बाकी उसमें से गायब कर देंगे। लाइक अगर डेज नहीं है तो डेज गायब कर देंगे, फॉर्मूला बन जाएगा एम एच अपॉन डब्ल्यू। यहाँ पर मैन नहीं है अगर, तो किसी हम मैन को गायब कर देंगे डी एच अपॉन डब्ल्यू। वेट नहीं दिया हुआ है किसी भी चीज़ का तो डब्ल्यू को गायब कर देंगे, रह जाएगा एम वन डी वन एच वन इक्वल्स टू एम टू डी टू एच टू। अब इसे फॉर्मूले को क्वेश्चन में हम लगाऊ करेंगे, तो देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, तो क्वेश्चन नंबर वन है 80% कंज्यूम कर रहे हैं 100 kg ऑफ राइस इन 20 डेज। तो देखिए हमारे पास क्या क्या है, नंबर ऑफ पर्सन, इसके बाद राइस का वेट दे रखा है, तो वेट ऑफ राइस, और इसके बाद नंबर ऑफ द डेज भी दे रखे हैं। तो तीन चीजें हमारे पास यहां पर अवेलेबल हैं। सबसे पहले जब 80% थे तो उन्होंने कितने का kg राइस खाया, 100 kg, ये kg में दे रखा है तो इसे भी आप आगे मेंशन करें। और 80% 100 kg राइस को 20 डेज में कंज्यूम करते हैं, मतलब 20 दिन तक वो खाना को खा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या लगा कि फॉर हाउ मेनी डेज, तो हाउ मेनी डेज मींस ये आपको इसमें फाइंड करना है, 15 kg ऑफ राइस और 40% कंज्यूम करेंगे, नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास 40 है। क्लियर हो गया? तो यहां से देखिए पर्सन हमारे पास पहली कंडीशन में दे रखे हैं, ये हो जाएगा हमारा m1 w1 d1,
एच इसमें नहीं है कि आवर कितने लग रहे हैं। एम टू, डब्ल्यू टू और डी टू, डी टू हमें फाइंड करना है। तो यहां से हम सीधे क्या लगाएंगे, यूजिंग। देखिए जब तीन चीजें आपको अवेलेबल हो क्वेश्चन में तो आपको वहां कंपाउंड प्रोपोर्शन लगाना है, इसका ध्यान रखिएगा। तो यूजिंग एम वन, एम वन है, डी वन, डी वन भी है और एच नहीं है तो एच को छोड़ देते हैं, डब्ल्यू वन इक्वल्स टू एम टू डी टू और अपॉन में डब्ल्यू टू। क्लियर, वैल्यू पुट करेंगे। एम वन का मतलब पहले था 80 और डी वन 20 और उनका वेट था जो राइस का वो 800। इक्वल में एम टू था हमारे पास 40 और डी टू है हमारे पास, हमें फाइंड करना है तो इसे हमने लैड कर लिया कि एक्स है और अपॉन में कितना वेट है 15। क्लियर, जो भी वैल्यू आपको फाइंड करनी है उसको वहीं छोड़िए, बाकी सात वाले नंबर को आप राइट लेफ्ट या राइट हैंड पर फेंक दीजिए। यहाँ पे पहले दोनों जीरो, ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 8 टू जा हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 15, आप यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं, 5 3 जा और 5 8 जा, तो 3 आ जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में और 8 आ जाएगा यहाँ पर डिवाइड में, तो इधर x रह गया, 8 टू जा 16, तो यहाँ से आपकी x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6। तो ये x क्या था, नंबर ऑफ द डेज। तो 40% 15 kg ऑफ राइस को 6 डेज में कंज्यूम कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सबसे मेन ये फॉर्मूला है आपको ध्यान रखना है, ये कंपाउंड प्रोपोर्शन का है। बुक में आपका जो मेथड दिया हुआ है उसमें दो स्टेप लगाए गए हैं, एक बार डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक बार इनडायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन या इनडायरेक्ट भी कह सकते हैं उसे। हमने यहाँ से इन दोनों को मिला के एक शॉर्ट ट्रिक बनाई कि एम वन डी वन एच वन, याद कर सकते हैं एम डी एच मसाले का नाम है ना, तो उसी तरीके से एम डी एच अपॉन डब्ल्यू और एम डी एच अपॉन डब्ल्यू। पहली कंडीशन में सबके साथ वन 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 लग जाएगा, फिर वन टू 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 लग जाएगा, तो एम वन डी वन एच वन डब्ल्यू वन एम टू डी टू एच टू डब्ल्यू टू। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन नंबर वन को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। अ फार्मर पेस 1220 फॉर यूजिंग अ पास्चर टू ग्रेज हिज 300 कैटल्स फॉर 16 डेज। एक फार्मर 1220 रुपीस को पे करता है अपने 300 कैटल्स के लिए कि 16 दिन तक वो उसके खेत को खाएंगे, क्या पे करेगा, व्हाट विल ही पे फॉर यूजिंग इट ग्रेजिंग 440 कैटल्स फॉर 18 डेज। तो 18 दिन तक अगर उसे 440 कैटल्स को वहां पर भेजना है तो उसे कितने रुपए पे करने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पर 300 कैटल्स था तो 16 डेज के लिए उसे 1220 पे करना पड़ रहा था, अब उसने नंबर ऑफ कैटल्स बढ़ा दिए तो नंबर ऑफ द डेज भी बढ़ेंगे ऑब्वियस सी बात है, तो कितने रुपए पे करेगा, तो पे भी बढ़ेगा। फॉर्मूला हमारा था एम डी एच अपॉन डब्ल्यू, एम फॉर मैन, डी फॉर डे, एच फॉर आवर और डब्ल्यू फॉर वेट। डब्ल्यू हमारा कहाँ कहाँ यूज होगा, डब्ल्यू फॉर वेट, अगर वेट नहीं दिया है तो उसके नीचे वहाँ उसकी जगह कॉस्ट आ जाएगी, क्योंकि वेट निकालने के बाद ही हम किसी चीज़ की कॉस्ट निकालते हैं अगर वॉल्यूम में हो, है ना। तो हम इसका यूज करेंगे एम एम वन डी वन और एच वन है नहीं हमारे पास और डब्ल्यू वन की जगह क्या आ जाएगा सी वन इक्वल्स टू एम टू डी टू अपॉन सी टू। लेकिन आप M यूज नहीं करिएगा क्योंकि यहाँ पर कैटल्स हैं, वहाँ पर हम M की जगह मैन यूज करते हैं, तो यहाँ पर आप एनिमल्स लिख लीजिए। देखिए फॉर्मूला वही है लेकिन आप अगर शो करेंगे तो अलग अलग एनिमल्स के लिए कभी मैन आएगा, कभी पीपल आएगा, कभी कुछ आएगा, तो वहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा। तो सीधे आप फॉर्मूला ही लगाइएगा M फॉर मैन तो 300 मल्टीप्लाई 16 डेज और H1 इसमें है नहीं और अपॉन में इसकी कॉस्ट आ जाएगी 1220 इक्वल में 440 है मल्टीप्लाई 18 है और कॉस्ट है x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले जीरो से जीरो को कैंसिल कर लीजिए, ये x इधर आ जाएगा, इसके बाद 440 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 122 और अपॉन में 30 एंड 16। क्लियर, कैंसिल करेंगे 4 जा और 4 बन जा ये 110 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो भी कैंसिल कर दीजिए, 3 6 जा 18, ये 4 से कैंसिल तो होगा नहीं तो दो बार में कैंसिल करेंगे, 2 6 जा 2 बन जा और 2 3 जा। तो नंबर आपके पास आ चुके हैं 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6, तो ये हो जाएगा 11 3 जा 33, 33 बन जा 33 और 33 6 जा 198 और 3 हो जाएगा 201।
तो 2013 रुपीज उसको पे करना होगा, चेक कर लेते एक बार, और 33 बन जा 33, 198 और ठीक। तो 2013 रुपीज उसको पे करना होगा अपने 440 कैटल्स के लिए कि वो 18 डेज तक उस खेत को ग्रेज कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 8 पर्सन कैन बिल्ड अ 150 मीटर लॉन्ग बिल इन वॉल इन अ 5 डेज। फिर से 8 पर्सन है, 5 डेज में 150 मीटर लॉन्ग वॉल बना देते हैं। तो हमारे पास क्या क्या है, नंबर ऑफ पर्सन, उसके बाद नंबर ऑफ डेज, आगे पीछे भी लिख लें उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और थर्ड है इसमें पास लेंथ ऑफ द वॉल। वॉल है मीटर में, बाकी सब नंबर में है। सबसे पहले नंबर ऑफ द पर्सन हमारे पास थे, 8 पर्सन थे, 150 मीटर लॉन्ग वॉल को वो बना रहे हैं 5 डेज में। इसके बाद हाउ मेनी पर्सन, तो नंबर ऑफ पर्सन हमें फाइंड करने हैं, इसको हमने एक्स लेट कर लिया है, विल बिल्ड 480 मीटर लॉन्ग, 480 मीटर लॉन्ग वॉल इन 8 डेज। तो यहां पर हमें फाइंड करना है कि अगर हम उसी वॉल को 150 से 480 कर देते हैं तो नंबर ऑफ द डेज वहां पर कितने, 8 डेज लगेंगे, 8 डेज के लिए कितने पर्सन वहां पर लगाएंगे। तो देखिए, जब आपका वर्क बढ़ रहा है तो आपका डेज भी बढ़ेंगे, और ऑब्वियस सी बात है कि आप वहां पर नंबर ऑफ द वर्कर्स भी इंक्रीज करेंगे। तो यहां पर हमारा फॉर्मूला वही लगेगा, एम डी एच अपॉन डब्ल्यू, और डब्ल्यू की जगह क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ द बॉल। तो एम वन डी वन एच वन, और एच वन है नहीं तो इसे हम हटा दें, अपॉन लेंथ ऑफ द बॉल, तो एल वन है ना, एम वन डी वन अपॉन एल टू यूजिंग। अब यहां पर एम है हमारे 8 और डी है लग रहा है 5 और लेंथ है 150। फिर से यहां पर एक्स मैन लगा दिए हमने, 8 डेज वर्क कर रहे हैं और लेंथ है उसमें 480। 5 से कैंसिल कर दें, जितना कट सकता है, 5 3 जा 15, और ये भी कट जाएगा, 8 1 जा 8 6 जा। इसके बाद जो 60 बचेगा वो यहां पहुंचा देंगे, तो 8 मल्टीप्लाई 60 और अपॉन में रह जाएगा 30 और इक्वल में x, 30 1 जा 30 2 जा, तो 8 2 जा आ जाएगा 16। मींस 16 पर्सन लगेंगे 480 मीटर लॉन्ग वॉल को बनाने के लिए 8 डेज। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग 175 केजी ऑफ गुड्स ऑफ फॉर 120 किलोमीटर इज 80 रुपीज, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग 225 केजी ऑफ गुड्स फॉर 350 किलोमीटर। तो देखिए क्या क्या चीजें हमारे पास, सबसे पहले तो लिखा हुआ है कि वेट ऑफ गुड्स, सामान कितना है, उसके बाद कितनी डिस्टेंस जा रहा है और उसकी कॉस्ट क्या है। तो पहली चीज है हमारे पास वेट ऑफ गुड्स, मतलब सामान का वेट। सेकंड है उसकी, ये आपका केजी में दे रखा है, डिस्टेंस कितनी किलोमीटर तक जाएगा, ये किलोमीटर में है आपकी डिस्टेंस। एंड नेक्स्ट है इसका कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग, जो कि आपकी रुपीज में है। तो ये तीन चीजें हैं आपको इसमें फाइंड करने के लिए, इसमें तीनों में से देखते हैं किस चीज को आपको फाइंड करना है। सबसे पहले है 175 केजी वेट था, 120 किलोमीटर डिस्टेंस से जाना था और उसकी कॉस्ट थी 80 रुपीज। अब व्हाट विल बी द कॉस्ट, तो कॉस्ट हमें नेक्स्ट में फाइंड करनी है। 225 केजी वेट जा रहा है और 350 किलोमीटर डिस्टेंस है। क्लियर, तो ये आपका अब कंप्लीट हुआ। पहले तो ये आपको टेबल फिल करनी होगी कि आपको इसमें से क्या क्या चीजें इसमें ऐसे रखनी है, क्या दे रखा है और इसे फिल करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं मैन नहीं है, नंबर ऑफ द डेज भी नहीं है, क्या है, एच भी नहीं है, क्या रह गया, केवल आपका इसमें रह गया आपका वेट,
वेट कहा जाता है आपका अपॉन में, उसके बाद डिस्टेंस है और उसके बाद कॉस्ट है। डिस्टेंस भी कहाँ रहती है आपकी? ऊपर रहती है। और कॉस्ट भी कहाँ रहती है आपकी? नीचे। तो यहाँ पर सिंपल से इसमें फॉर्मूला लगेगा आपका, जो डिस्टेंस है वो रहेगी नीचे, बाकी ये तीनों आपके रहेंगे, वो ये दोनों रहेंगे आपके ऊपर। लाइक 175 की मल्टीप्लाई आप 80 से करेंगे, क्योंकि दो नंबर नीचे हैं, या तो फिर नीचे रख लीजिए दोनों को और फिर उसे ऊपर लिख लीजिए। जैसे कि डिस्टेंस ऊपर रहेगी अपॉन वेट, W फॉर वेट, ये नीचे रहेगा, और कॉस्ट भी हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में नीचे रखी थी, तो ये कॉस्ट भी नीचे रहेगी, और इक्वल में 350 के अपॉन में 225 मल्टीप्लाई एक्स। क्लियर? सॉल्व कर लेंगे इसे। देखिए ये एक्स को यहाँ पहुँचाना है हमें, तो 120 के पास पहुँचा एक्स, और मतलब हमने सभी को पहुँचा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। 350 के पास पहुंचा 175 और मल्टीप्लाई 80। अब इन दोनों नंबर को पहुंचा देंगे इसके नीचे, यहाँ से ये नंबर जो है 2 पहुंचेगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 225 मल्टीप्लाई 350 और मल्टीप्लाई 2, और इसके अपॉन में आ जाएगा 175 मल्टीप्लाई 3। कैंसिल करेंगे 25 से, 25 7 जा 7, 175 और ये 9 जा 7, बन जा 7, 5 जा 3, बन जा और 3, 3 जा, तो यहाँ आ जाएगा ये 2, 3 जा 6 और 6, 5 जा 30। तो 300 रुपीज़ जो होगी वो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जाएगी 225 केजी सामान की डिस्टेंस 350 किलोमीटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। इसमें इन एन आर्मी कैंप ऑफ 1500 मैन देयर आर प्रोविजन फॉर 20 डेज। 1500 मैन है एक आर्मी कैंप में, जिसमें कि उनके पास खाना जो है केवल 20 दिनों के लिए है। इफ़ ईच मैन कंज्यूम 387 ग्राम पर डे, और एक मैन वहां पर डे 387 ग्राम कंज्यूम करता है, तो हाउ मेनी मैन शुड लीव द कैंप, तो कितने मैन को उस कैंप को छोड़ देना चाहिए ताकि जो फूड है मे लास्ट फॉर 24 डेज, 24 दिन तक चले, विद ईच मैन कंज्यूमिंग 450 ग्राम पर डे, ताकि एक व्यक्ति 450 ग्राम कंज्यूम कर सके। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है आपका 5, सबसे पहले वाले कॉलम में है नंबर ऑफ मैन। सबसे पहले हमारे पास थे 1500 मैन, अब वो कह रहा है कि कितने पीपल कम कर दिए जाएं, मतलब 1500 में से आप कुछ माइनस कर दीजिए या फिर नए वाले पीपल को लैड कर लीजिए कि वो एक्स पीपल वहां पर रह गए होंगे 20 डेज के लिए। तो नंबर ऑफ डेज, तो पहले वो खाना चल रहा था 20 डेज के लिए, और बाद में उस खाने को चलाना है उन्हें 24 डेज के लिए, और आगे लिखा हुआ है कि कंज्यूम कितना कर रहा है पर डे। कंज्यूम ग्राम पर डे, मतलब कि एक व्यक्ति कितना कंज्यूम कर रहा है, पहले कर रहा है 387, और बाद में जब नंबर ऑफ द पर्सन कम हो जाएंगे तो एक को मिलेगा थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 450। तो सिंपल सा है, देखिए MDH अपॉन W में क्या था, मैन डे आर एंड अपॉन में उसका वेट। अब यहाँ पर मैन है, डे है, और क्या है, कंज्यूम पर डे, ये ग्राम में दे रखा है वेट। एक व्यक्ति कितना खाएगा 387 ग्राम, तो 1500 मैन कितना खाएंगे, तो 1500 की मल्टीप्लाई 387 से ही होगी, तो वेट इसमें नीचे नहीं आएगा, हम यूज़ करेंगे M1 D1 और कंज्यूम का लगाएंगे C1 इक्वल्स टू M2 D2 और कंज्यूम का लगाएंगे C2। तो यहाँ पर 1500 मैन थे हमारे पास, दिन चल रहे थे 20 और 387 ग्राम वो कंज्यूम कर रहे थे। इसके बाद मैन कितने रख दिए जाएं ताकि 24 डेज तक वर्क चले और 450 ग्राम पर डे एक व्यक्ति को मिल सके। इन दोनों नंबर को हम नीचे लेके आ जाएंगे, 15 to 30, मतलब ये हो गया 330 और इसमें 30,000 मल्टीप्लाई 387 और अपॉन में आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई 450। देखिए 7 3 10 और 8 80, मतलब 9 से कट जाएगा ये, तो 9 4 जा 36, बचेगा 2 27, 9 3 जा 9 5 जा 40 45 सॉरी
यहाँ से एक जीरो को एक जीरो से कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 5 बन जाएगा, 5 6 जा 30 और 2 जीरो आ जाएंगे। इसके बाद और कैंसिल कर लेंगे, 6 4 जा और 6 10 जा और 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 25। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 25 मल्टीप्लाई 43। तो यहाँ से आ जाएगा 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100, ये हो जाएगा 107। मतलब वहां पर कितने लोग रह गए, 1075 लोग रह गए, जिससे कि खाना 24 डेज तक चला और हर एक को ज्यादा भी मिला। वो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ लेफ्ट मैन या लेफ्ट पर्सन, तो पहले थे 1500 और अब रह चुके हैं 1075, तो माइनस करेंगे तो यहां बचेगा 425। तो इतने पीपल वहां पर रह जाएंगे, छोड़ देंगे, जिससे कि हर एक पीपल को ज्यादा खाना मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। इन अ हॉस्टल 240 चिल्ड्रन कंज्यूम कर रहे हैं 720 ग्राम ऑफ व्हीट फ्लोर इन 10 डेज। 240 बच्चे हैं, 720 किलोग्राम आटे को 10 दिन में वो वहां से खत्म कर देते हैं। तो हाउ मेनी केजी ऑफ व्हीट फ्लोर विल बी कंज्यूम बाय 350 चिल्ड्रन इन 8 डेज। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, इसके बाद दूसरा है वेट ऑफ फ्लोर, आटे का वजन जो कि किसमें है, केजी में, और इसके बाद नंबर ऑफ द डेज, कितने दिन वो खाना चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास 240 चिल्ड्रन थे और 720 ग्राम उसमें किलोग्राम आटा था जो कि 10 दिन चल रहा था। अब वो पूछ रहा है कि कितने केजी ऑफ व्हीट, मतलब एक्स केजी ऑफ व्हीट फ्लोर विल बी कंज्यूम बाय 350 चिल्ड्रन इन 8 डेज। देखिए, इसे इसीलिए कंपाउंड प्रोपोर्शन कहा जाता है कि इसमें दोनों चीज ऐड हो रही है, नंबर ऑफ द चिल्ड्रन, नंबर ऑफ द डेज, नंबर ऑफ द फ्लोर, सभी चीज ऐड हो रही है। जब आप बच्चों की संख्या बढ़ाएंगे तो वहां पर आपको जो आटे की संख्या, आटे की जो क्वांटिटी है वो बढ़ानी पड़ेगी, और जब बच्चों की संख्या बढ़ाएंगे तो आपके जो दिन है वो कंज्यूम भी होंगे। तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट भी लग रहा है, यहाँ पर आपका इनवर्स भी लग रहा है, इसीलिए कंपाउंड का फॉर्मूला लग रहता है। तो यूजिंग फिर से M1 वन मीन्स चिल्ड्रन का हो जाएगा, D1 कितने दिन चल रहा है, H1 हमारे पास है नहीं, हम क्या लगाएंगे, W, M2, D2, W2। हमारे पास नंबर ऑफ द चिल्ड्रन है 240, 10 डेज वो बर्क उस खाने को चला रहे हैं, 720 क्वांटिटी है। इसके बाद 350 बच्चे हो जाते हैं और 8 डेज चल रहा है और वेट क्वांटिटी एक्स है। कैलकुलेशन रह गई, अब इसे आप सेल्फ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, 7 में है, इफ 20 मैन वर्किंग 8 आवर्स पर डे कैन प्लॉग अ पीस ऑफ लैंड इन 12 डेज। देखिए बहुत ही सिंपल है, नंबर ऑफ द मैन 20, नंबर ऑफ द आर मीन्स आप फॉर्मूला लगाएंगे M1 D1 H1 equals to M2 D2 H2। नंबर ऑफ द मैन 20 है, ये 20 दे रखा है, आवर दे रखा है 8 आवर्स और ये 12 डे में फील्ड को प्लॉग कर देते हैं। फिर वो पूछ रहा है हाउ मेनी मैन, ये फाइंड करना है, 6 आवर्स पर डे काम करेंगे और 10 दिन में इसे कंप्लीट कर देंगे। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, देखिए, 7 मैन वर्किंग 9 आवर्स आर डे अर्न 14,175। 7 मैन 9 आवर्स पर डे वर्क करेंगे तो उन्हें 14,175 रुपीस पर वीक मिलेंगे। तो व्हाट विल बी 18 मैन अर्न पर वीक, तो 18 मैन कितना कमाएंगे अगर वो 7 आवर्स पर डे वर्क करेंगे। क्या क्या चीज हमारे पास अवेलेबल है, नंबर ऑफ मैन, सेकंड कितने घंटे काम कर रहे हैं, वर्क पर आर, और उसके बाद उन्हें कितना पे करना पड़ रहा है, उनकी वेजेस लिख सकते हैं जो भी रुपए में है, ये आर में है। तो पहले हमारे पास 7 थे जो कि 9 आवर्स
पर डे वर्क कर रहे थे तो उन्हें 14,175 रुपीस मिल रहे थे। अब 18 मैन हैं, 7 आवर्स पर डे वर्क करेंगे तो उन्हें कितना रुपए मिलेगा? बहुत ही आसान है। देखिए, सबसे पहले फॉर्मूला आपका MDH/W, मैन है, एच है, डे नहीं है, उन्हें वेजेस मिल रही है, मतलब उनका जो है पे कर रहा है कंपनी, जो भी कुछ इन्हें हायर का है, 14,175। बिल्कुल सेम आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह है कि 1220 रुपीस था, उसमें 300 केटल्स थे, 16 डेज थे। तो यूज करेंगे यहां पर हम M1 नंबर ऑफ मैन, H1 नंबर ऑफ द आर्स अपॉन में उनकी वेजेस, तो इसे आप W1 इक्वल्स टू M2 और RH2 अपॉन में W2। नंबर ऑफ द मैन 7 है, आर काम कर रहे हैं 9 आर और उन्हें मिल रहे हैं 14,175। इसके बाद नंबर ऑफ द मैन हो जाते हैं 18, 7 आर्स पर डे वो वर्क कर रहे हैं और उन्हें कितने रुपए मिलेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 7 × 9 × x और इक्वल में आ जाएगा 18 × 7 × 14,175। इसके बाद आप x को यहीं छोड़ेंगे, 18 × 7 × 14,175 अपॉन में 7 × 9। मल्टीप्लाई में जल्दी ना कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कई सारे छोटे छोटे नंबर जब अलग अलग आते हैं, जैसे 7 से 7 कटेगा, 9 से कटेगा, अगर आपने ऊपर की मल्टीप्लाई कर ली तो आपको नंबर पता ही लगेगा किससे डिवाइड करें, फिर आप उससे कैंसिल करते रहेंगे कई सारे स्टेप में। तो यहाँ पर देखिए आसान हो जाएगा, ये 7 बन जा और ये 7 बन जा, 9 बन जा और ये 9 टू जा, तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 1, 5 जा 2, 5 जा 10, 17 × 34 हो जाएगा 35 और 14 × 28, तो उन्हें 28,350 रुपीस पे करेगा 7 आवर्स पर डे काम करने के लिए 18 वर्कर्स को। तो ये आपकी एक्सरसाइज 13.3 टॉपिक कंपाउंड प्रोपोर्शन यहाँ से कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है इसका टाइम एंड वर्क, जिसमें आप पढ़ेंगे कि कितने दिन काम करने पर कितना रुपए पे कर रहा है, कितने दिन में काम करेगा तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, एक बंदा, दो, तीन, चार, जो भी कितने लोग वहाँ पर वर्क कर रहे हैं, और यहाँ पर मिलेगा सिस्टम पाइप से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, 13.4 एक्सरसाइज में मिलेंगे। तो अब तक के लिए थैंक यू सो मच, और अगर आपने भी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।